आज की सबसे बड़ी सुर्खियां रही दिल्ली की बाढ़, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम बेरोजगारी की बाढ़ की बात करते हैं और उन बेबस बेरोजगारों पर बरसती लाठियों की बात करते हैं। बात पटना की है, जहां पर बेरोजगार जब अपनी मांगों को रखने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती। मुख्यमंत्री आवास के नजदीक है डाक बंगला चौराहा और वहां पर यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, नेताओं, उन सब पर भी ऐसी बर्बर लाठियां बरसी कि एक बीजेपी नेता की जान चली गई। अब सवाल यह उठता है कि अगर कानून ये ताकत देता है कि लाठियां बरसाई जाए प्रदर्शनकारियों को अलग करने के लिए, तो क्या इस तरह की निर्मम लाठियां भी बरसाई जा सकती हैं? ये मातम की चीखें हैं। अचानक अपने को खो देने के बाद बदहवासी में जहां कौन क्या कह रहा समझ आना खत्म हो जाता है, ये स्थिति वही है। कौन तो हाल हाल ठीक है, शांत रहा ना? नहीं, 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 अब सारा क्लियर हो गया, अब सारा क्लियर हो गया, ठीक है, शांत रहिए। अब नहीं। रोता हुआ परिवार बीजेपी नेता विजय कुमार का, जो जहानाबाद में बीजेपी के महामंत्री थे। विजय कुमार की हत्या का आरोप बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाती है। ये हत्यारी सरकार है और इस हत्या का जवाब नीतीश कुमार की सरकार को देना पड़ेगा। किसको आप दोषी मानते हैं अगर आप इसको हत्या कराते हैं? सिर्फ नीतीश कुमार पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। सारे लोग FIR करेंगे और नीतीश कुमार जी को अभियुक्त बनाएंगे। पटना में बीजेपी नेता विजय की हत्या का आरोप बिहार बीजेपी अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बिहार में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता दो मांगे लेकर विधानसभा घेराव करने निकले। पहली मांग, रेलवे भर्ती के बदले जमीन लेने के घोटाले में CBI की चार्जशीट में नाम आने के बाद डिप्टी CM पद से तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। दूसरी मांग, बिहार की शिक्षक भर्ती में गैर बिहारियों को भी मौका देने वाला नियम बिहार की सरकार बदले। डाक बंगले चौराहे पर बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और बिहार की पुलिस आमने सामने आए। पहले पानी की बौछार हुई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो है देखा जा सकता है। फिर बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सांसद तक पर सीरियल लाठीचार्ज शुरू हुआ। संविधान सबको प्रदर्शन करके अपनी मांग रखने का अधिकार देता है। संविधान से मिला वही अधिकार पटना में लाठियों के दम पर कुचला जाता दिखा। CRPC की धारा 130 में हल्का बल प्रयोग करके भीड़ या प्रदर्शन को तितर बितर करने का प्रावधान है, लेकिन पटना में हल्का बल नहीं, भीड़ हटाने के नाम पर मार देने वाला बल प्रयोग होता नजर आया। CRPC की धारा 130 कहती है इतना ही बल प्रयोग किया जाए जिससे भीड़ हट सके या प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा सके। पटना में हिरासत में लेने से ज्यादा पुलिस की लाठी दुश्मन की तरह गिराकर पीटने के लिए इस्तेमाल होती दिखी। जिस लाठी चार्ज शब्द का IPC या CRPC में जिक्र तक नहीं, उसमें भी नियम है कि लाठी को किसी भीड़ या प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कमर से नीचे प्रयोग करें। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सीधे कहीं भी कमर से ऊपर, सिर पर लाठी मारने के सबूत साफ साफ मिलते हैं। सिर पर पड़ी लाठी से निकलता खून बताता है पुलिस ने गलत तरीके से पीटा। बीजेपी के कार्यकर्ता लाठियों से बचते हुए मुंह के बल गिरते रहे, पुलिस की लाठी नहीं रुकी। बीजेपी के कार्यकर्ता सिर बचाते हुए भागते दिखे, पुलिस की लाठी उनको पीटने के लिए बरसती रही। इस सुरक्षा कर्मी को देखिए, इसके लाठी चलाने के तरीके को देखिए, लाठी चलाते वक्त इसके चेहरे के भाव देखिए। इसे किसी कानून की नहीं पड़ी, जैसे ये खुद कोई दुश्मनी निकाल रहा हो या फिर जैसे इसे निर्देश मिले हो कि बस पीटना है। जिन लोगों को ये पीट रहा उनके हाथ में ना कोई लाठी है ना अस्त्र है, ना भागते हुए ये लोग कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनते दिखते हैं, ना ही भागते हुए ये लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिसकर्मी सिर्फ पीटता है और पीटता रहता है, ऐसा क्यों? क्या बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक रंजिश में लाठियां बरसाई गई?
इनका काम है आग लगाना, आग बुझाना जानते नहीं है तो आग का के लिए लगाते हैं, आग नहीं लगाना चाहिए। रोड़ा चलाइएगा तो लाठी खाइएगा। क्या सच में बिहार बीजेपी के नेता पत्थर चला रहे थे? इस वीडियो को देखिए, पुलिस ने जिन्हें घेर रखा है, जो पुलिस के हमलावर रुख के आगे नीरी नजर आ रहे हैं। महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल, इनके सुरक्षा कर्मी कोशिश करते हैं इन्हें बचा सके। पटना की लठमार पुलिस को देखिए, अचानक पीछे से ये सीधे सिर की तरफ लाठी चलाती है, ऐसा क्यों? अब देख सकते हैं पूरा पीठ से लेकर हर जगह चूर चूर, कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है, पूरा छाती पर ये आप निशान देख सकते हैं, इनको यहाँ पर पीटा गया है। यहाँ पर पेट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पीट है पूरा, ये है निशान और ये हाथ दिखाइए, ये देख सकते हैं, माफ कीजिएगा। भीड़ को हटाने के नाम पर भीड़ को मार देने वाली ऐसी ही पुलिसिया लाठियों ने क्या बीजेपी नेता विजय कुमार की जान ले ली? ये नीतीश कुमार पलटू राम के इशारे पर जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली है, बरसाई गई है, पूरी तरह से ये लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी गई है। हम तो कह रहे हैं कि हम शासन काल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब दे ना, महंगाई का हिसाब दे, तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात, और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें, ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था यहाँ सरकार? लाखों नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव, जिसे हुड़दंग बताकर नीतीश के राज में राजधानी के भीतर पुलिस के लाठी चार्ज को न्याय बताते हैं, उसने एक नेता की जान ली है, कई कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ा है, हाथ पैर तोड़ा है। ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को कि मुद्दा बीजेपी का प्रदर्शन नहीं, मुद्दा शिक्षक भर्ती लंबा लटकाने के बाद नए नियम को अटकाना है, जिसके लिए बेरोजगार भी बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित सिंह और आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।